ये क्या है ये? वो सब मैं बताता हूँ। कहाँ था तुम? इतना इंतजार कर रही थी मैं, और ये सब क्या है? ये सब मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अरे यार, मिश्का की शादी है, इतने सारे फंक्शन होने वाले हैं, मेरी वाइफ को सबसे बेस्ट दिखना है कि नहीं, इसलिए सब कुछ तुम्हारे लिए लाया हूँ। क्या? हाँ। सच में? Yes, of course। कितने अच्छे तुम रुद्र। बस इतना ही अच्छा। पता है, मैं भी सोच ही रही थी कि फंक्शन में और शादी में पहनने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। हाँ, तो इसीलिए मैंने डिजाइनर को बोला, और देखो सब कुछ रेडी है। ये सब देखो। डिजाइनर ने सिलेक्ट किया, फिर तो अच्छे भी होंगे। एक्सक्यूज मी मैडम, डिजाइनर ने कुछ नहीं किया है, ये सब मेरी चॉइस है। क्या? हाँ। ये सब तुमने चूज किया है? यस, मेरी चॉइस है। सच में? ऑफ कोर्स। अ ब्यूटीफुल साड़ी फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल लाइक यू। मिशा, टेंशन मत तो यार, मेरी चॉइस अब बहुत बेटर हो गई है। ये वो चटक मटक और गौड़ी साड़ी जैसे ड्रेसेस नहीं है, बहुत अच्छे हैं। इसलिए तो डिजाइनर को लेके गया था मैं, और उसको मैंने स्पेशली बताया कि प्रीशा को चमको नहीं दिखना है, सब तुम्हारे टेस्ट के। थैंक गॉड। अच्छा, मतलब वैसे भी मैं उस बारे में टेंशन नहीं ले रही थी। झूठ बोल रही हो तुम, तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है। मेरे छोले भटूरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस थोड़ा सा वही मेरी इडली सांभर। क्या थोड़ा सा? हाँ, क्या थोड़ा सा? झूठ मत बोलना मुझसे, मुझे पता है तुम मेरी चॉइस को लेकर टेंशन में आ गई। रुद्र, ऐसा कुछ नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही, बस आ गई थी ना। नहीं रुद्र, ओए अगर सच नहीं बोला ना तो मैं सब वापस लेके जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है, मैं ठीक है, थोड़ा सा टेंशन में आ गई थी, क्योंकि तुम्हें याद है ना वो तुम लास्ट टाइम कैसे साड़ी लेकर आए थे, वो चटक मटक गॉडी सी। पर उस वक्त तो तुमने बोला था कि तुम्हें वही पसंद आ गई है, मैं जो दूंगा वो सबसे अच्छा है। बदल गई हो तुम। कुछ भी, वो तो मैं तो तुम्हारे लिए सोच रही थी, तुम रॉकस्टार हो, मेरे हबी हो, और अगर मैं ऐसे चटक मटक वाली साड़ी पहनूंगी तो फिर लोग क्या सोचेंगे? तुम्हारी वाइफ हो ना, तुम्हारी टक्कर की तो दिखना पड़ेगा। हाय, तुम्हारी ऐसी बातें ना सीधा यहां जाके लगती है। हाय वेंकी, मैं याद हूं ना तुम्हें? मैं सॉरी, मैंने तुम्हें सॉरी बोला था वो तुम्हारे रूम में, मैंने जो भी बोला था तुम्हें याद है ना? तो तुमने मुझे, मतलब तुमने माफ कर दिया ना मुझे? सच में तुमने मुझे माफ कर दिया वेंकी? कांग्रेचुलेशन मिश्का। थैंक यू सो मच, तुम्हें पता नहीं है तुमने मेरा कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया वेंकी। थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो, सीरियसली इट रियली मींस अ लॉट जो मेरी इतनी बड़ी गलती को तुमने माफ कर दिया, और मुझे माफी देके तुमने प्रूव कर दिया कि तुम प्रीशा के ही भाई हो। सीरियसली थैंक यू। मुझे नहीं पता प्रीशा कैसी है, इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कैसा हूं। पर हाँ, मुझे एक बात जरूर मालूम है कि तूने मेरे साथ क्या क्या किया था, और उसके रिटर्न मैं तेरे साथ क्या क्या करने वाला हूं। नहीं, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया, और ना ही कभी जिंदगी में करने वाला हूं। वेंकटेश्वर कसम, तुझे ऐसी सजा दूंगा ना कि तू सपने में भी नहीं सोच सकती। तेरे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, वो तुझे जल्दी ही देने वाला हूं। बस जस्ट वेट एंड वॉच। मिश्का, वेंकी प्लीज तुम ये बात किसी को मत बताना। तुम हो मिश्का? हाँ, तुम ही तो हो वो जिसके कारण मेरा ये हाल हुआ है। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब भूल गया है? कुछ नहीं भूला मैं, मुझे सब याद है। वेंकटेश्वर की कसम, मुझे सब याद है। मैम आप समझ नहीं रही है, मैंने नहीं, उसने मेरा हाथ पकड़ा था, वो मुझे तंग कर रही थी, वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी। अपा शट अप, प्लीज दूर हटो यार।
I mean, थोड़ा तो relax कर लो. Just leave me. Let's have some fun. तू यहाँ पे क्या कर रहा है? बना लड़की कॉल दी जिसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी. क्या क्या करेगा तू? अपनी जिंदगी वापस मांगूंगा, अपनी लाइफ वापस मांगूंगा उससे. उसके आगे हाथ जोड़ दूंगा, भीख मांगूंगा, ताकि वो सबको बता सके कि मेरी कोई गलती नहीं थी. प्लीज मुझे उस लड़की के पास ले चल भाई, प्लीज. मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता. तू जाए यहां से. क्यों तू नहीं कर सकता? तू मेरी हेल्प, ये सब तुझे मेरी लाइफ बर्बाद करते हुए नहीं सोचा था? क्यों नहीं कर सकता मेरी हेल्प, बता. अब तेरी हेल्प करके कोई फायदा नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता. उसका नाम जानना चाहता है ना, तो उसका नाम है मिश्का और वो बहुत बड़े बाप की बेटी, और उसके बाप ने उसे कुछ नहीं होने दिया. अरे उसका तो नाम भी नहीं आया कहीं. अब उसके बाप ने उसे लंदन भेज दिया, हमेशा हमेशा के लिए. अब तेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी और तेरी इज्जत पे दाग लग चुका, तो तू अब निकल यहां से, चल. तू उसका नाम जानना चाहता है ना, तो उसका नाम है मिश्का और वो बहुत बड़े बाप की बेटी है. अरे उसका तो नाम भी नहीं आया कहीं पे. अब तेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी और तेरी इज्जत पे दाग लग चुका. नहीं जी सकते इस दाग के साथ, नहीं जी सकता. अब तो मैं किसी को साबित भी नहीं कर सकता कि मैं गलत नहीं हूँ. मैं बर्बाद हो गया, राकेश तेरे कारण मैं बर्बाद हो गया. इतनी बड़ी बदनामी के बाद मैं और नहीं जी सकता. पापा, I'm sorry. मुझे माफ वजह से सब कुछ हुआ है. कुछ नहीं भूला मैं, मुझे सब याद है. कितना सहा है मैंने मेरे अम्मा अब्बा ने, कितना सहा है. 10 साल तक मुझे जिंदा लाश की तरह रहना पड़ा, पर डॉक्टर राधा ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया, फिर से जिंदा कर दिया. और जब मैंने तुझे देखा ना, मेरे दिल में फिर से बदला लेने की उमंग जाग उठी. किस्मत का खेल था, देख मैं मरकर भी जिंदा हो गया और तू मेरे सामने आ गई. इस बार देख मैं क्या करता हूँ. अब मैं कमजोर बनूंगा, कमजोरी का फायदा उठाऊंगा और तेरे साथ हिसाब किताब बराबर करूंगा. आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ. पर ये बात मैं किसी को बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर उधर परेशान या अम्मा को पता चल गया ना कि मैं कमजोर नहीं, तो प्रॉब्लम हो सकती है. और मेरा सोचो, मुझे कितना दुख होगा उनसे झूठ बोलकर. पर मैं इतना बड़ा सेक्रीफाइस उनके लिए ही कर रहा हूँ, उनके लिए और मेरे लिए. मेरे साथ जो तुमने धोखा किया उसका बदला लूंगा मैं, और इसीलिए मैं इस घर में आया हूँ. मैं जानबूझ कर आया हूँ क्योंकि मैंने सुन लिया था कि तुम्हारी शादी होने वाली है. मिश्का का फोन था, परम और मिश्का ने शादी फिक्स कर ली नेक्स्ट वीक. क्या? हाँ. नहीं मिश्का, एक वीक में शादी नहीं, तेरी बर्बादी होने वाली है. हाँ, तेरी बर्बादी. तुम्हारे लाइफ की सबसे बड़ी खुशी 7 दिन में सबसे बड़े दुख में बदलने वाली है. 10 साल जो मेरे परिवार ने सहा है, जो मैंने भुगता, वो तुम भी भुगतोगी मिश्का. अब मैं तुझसे बदला लूंगा, तुझे बताऊंगा कि दर्द क्या होता है, तड़प क्या होती है, सहन क्या होती है. मिश्का, तुम्हारा आज, तुम्हारा आने वाला कल सब बर्बाद कर दूंगा मैं. जैसे तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की ना, वैसे मैं भी तेरे पास कुछ नहीं बचने दूंगा. और इसकी शुरुआत हो चुकी है मिश्का.